पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज हुई है। उसके अलावा जो है 7 जगह पे हैवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया है। सबसे अधिक वर्षा जो है संबलपुर के हीराकुद में 92.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। भुवनेश्वर में 7 डिग्री सेल्सियस जो मैक्सिमम हाई टेम्परेचर गया है कल के डेट में। उसके बाद कटक में 33.6 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर गया है, हाईएस्ट मैक्सिमम कटक का है। तो इसी बात से अगर हम बात करें सीजनल वेदर रेनफॉल की, तो 1 जून से लेके अभी आज 20 अगस्त तक अगर देखें तो अभी भी 11 डिस्ट्रिक्ट जो डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। तो एक्चुअल रेनफॉल जो 710.5 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 11% अभी भी नीचे चल रही है। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो लो प्रेशर एरिया जो अभी एट प्रेजेंट सेंट्रल बांग्लादेश के ऊपर, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश और नेपाल के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि जो कि आज सुबह 8:30 बजे की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। उसके बाद उसकी जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वह समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर तक बनी हुई हुई है। यह सिस्टम धीरे धीरे अगले 48 घंटे में नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा और वेस्ट बंगाल को क्रॉस करता हुआ जाएगा। दूसरा सिस्टम मानसून ट्रफ जो कि श्री गंगानगर, रोहतक, उरई, चर, मालदा से होता हुआ इस ऊपर लो प्रेशर एरिया के सेंटर से जा रहा है। तीसरा जो सिस्टम है साइक्लोन सर्कुलेशन जो कि झारखंड और नेबरहुड के ऊपर समुद्र सतह से 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। इन 3 सिस्टम के प्रभाव से आज भी उड़ीसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा जो नॉर्थ उड़ीसा में डे 2 में 21 तारीख को नॉर्थ उड़ीसा में फेयरली वेस्ट और साउथ उड़ीसा में स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होने की संभावना है। 22 तारीख को पूरे उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 23 तारीख को पूरे उड़ीसा में अनेक स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसमें 24 तारीख को जो है जो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा ऑब्जर्व की जाएगी 24 तारीख को डे 5 में। अगर बात करें डे 1 में, तो डे 1 में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उनमें जो डिस्ट्रिक्ट शामिल है वो इस तरह से है: मयूरभंज, बालासोर, केवंझर, ढेंकनाल, कटक, अनुगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, नुआपाड़ा, नवरंगपुर, कालाहांडी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति। इसी प्रकार डे 2 में सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़ में आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए भी येलो वार्निंग रखी गई है। 23 तारीख को सुंदरगढ़, बहरगढ़, सोनपुर, बोलांगीर, नुआपाड़ा, नवरंगपुर, कालाहांडी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति इन सब डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से। 24 तारीख को नुआपाड़ा, बोलांगीर, बहरगढ़, सोनपुर, बोध, कंधमाल, रायगढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, जयसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्र इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग दी गई है।